हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले सब घर पर रहिए और सुखी रहिए। आशा है कि आप यह वीडियो पूरा देखिए। मैं ज़्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूंगा, कम समय में आपके सामने कुछ नए विषय पर बात करता हूँ। मैं आपको पकाऊंगा बिल्कुल नहीं, अगर पकाता भी हूँ तो अच्छी बात है। कैसे, सुनिए। मैं और मेरे कुछ दोस्त रास्ते से जा रहे थे, हमारी नजर अचानक एक आम के पेड़ पर पड़ी। उस आम के पेड़ पर कई आम लगे हुए थे, बहुत सारे। तो हमारा जी ललचाया, हम उसकी ओर भागे और कुछ पत्थर उस पेड़ की ओर फेंके, तो कुछ आम गिर गए। हमने सभी आम वो इकट्ठा किए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्हें चाव से खाने लगे। जो कम पके हुए आम थे वो जब हमने खाए तो हमें इतने खट्टे लगे कि हमने वो आम फेंक दिए। पर उसमें एक आम था जो पूरा पका हुआ था, लाल आम। हमने उसे काटा और खाया। दोस्तों, इतना स्वादिष्ट आम था कि हम अपनी उंगलियां चाटते रहे। मतलब यह विषय बताने का कारण यह है कि अगर कोई हमें पकाता है तो यह नहीं कि वो हमारा समय बर्बाद कर रहा है, बल्कि हमें नए विषय के बारे में ज्ञान मिलता है। हम पकते हैं, मतलब हमें नए विषय के बारे में ज्ञान मिलने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो कभी पकना भी अच्छा होता है, पकना चाहिए। मैं जब कुछ बुजुर्ग लोग बैठते हैं हमारे आसपास, तो मैं उनके पास जाकर बैठता हूँ ताकि कुछ पुराने समय की बातें हमें समझ में आए। तो मैं कुछ पुरानी बातें सुनता हूँ और उसको महसूस करता हूँ, समझता हूँ। तो दोस्तों, पकना भी अच्छा है। ओके, मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों धूप और छाव की तरह होते हैं, पर हमें इस परिस्थिति में कभी नहीं हारना, खुद को कभी कमजोर भी नहीं समझना। एक उदाहरण दूंगा और आपका अपना विषय मैं खत्म करता हूँ। मैं रोज जिस रास्ते से जाता आता हूँ ना, उस रास्ते के किनारे एक बड़ा सा पेड़ है। वैसे तो बहुत सारे पेड़ हैं, पर मैं एक के बारे में बताऊंगा। गर्मी के दिनों में वो पेड़ पूरी तरह से सूख गया था, जल गया था, उसके सारे पत्ते झड़ गए थे। उस पे एक चिड़िया भी नहीं बैठी, चिड़िया भी नहीं, कुछ भी नहीं। सुनसान, लोग भी उसकी टहनियां चूल्हा जलाने के लिए ले जाते थे। मैंने सोचा कि ये पेड़ तो अब गया, इसका तो अब काम तमाम हो गया। कुछ दिन बाद बारिश का महीना शुरू हुआ और उस बारिश के मौसम में देखते ही वो जला हुआ पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। और फिर कुछ दिन बाद हरा भरा हुआ पेड़ पर कई पंछी, उसकी छाव के नीचे इंसान, जानवर आने लगे। तो हमने इस पेड़ से क्या सीख लिया कि हमारे जीवन में कितना भी दुख आए दोस्तों, कितना भी दुख आए, संकट आए, परेशानी आए, हमें खुद को संभालना है उस पेड़ की तरह, जो पेड़ गर्मी के दिनों में खड़ा रहा। जल गया था, पत्ते झड़ गए थे, कोई पास नहीं आता था, कोई पंछी नहीं बैठता था, फिर भी वो खड़ा रहा। और बारिश के दिनों में वो हरा भरा हुआ। वैसे हमें सुख के दिनों में खुश रहना है, दुख के दिनों में हमें टिके रहना है, उस परेशानियों को हराना है, खुद को नहीं हारना। तो दोस्तों, जीवन में कभी निराश मत होना, कभी दुखी मत होना, क्योंकि कठिन समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। खुश रहिए, कभी दुखी मत होना, खुश रहना उस पेड़ की तरह। अपने
आपका अमूल्य समय हमें देकर सुना, इसके लिए आपका बहुत सा धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, कविताएं सुनने के लिए हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज, थैंक यू।